नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, जिसको हम फिल्टर करेंगे टिकट टेप की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं टिकट टेप की वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत अच्छा फिल्टर है, जिससे आप इस स्क्रीनर का यूज करके आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो फिल्टर यूज किए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक्स को लिया है मैंने, वहाँ पर आपको उसके बाद मिड कैप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे मिड कैप स्टॉक्स का आ गया। उसके बाद 5 ईयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ लिया है, मतलब जो 5 ईयर्स से लगातार जो है कंसिस्टेंस रूप से ग्रो किया है कंपनी। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जिसका 0 से 1 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। उसके बाद करेंट एसर्ट कंपनी का मैंने लिया है, करेंट एसर्ट जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पी रेशियो को लिया है कि पी रेशियो 0 से लेकर के, मतलब पी रेशियो निगेटिव नहीं हो। तो ये सारे फिल्टर लगाए हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया। इन सारे फिल्टर का यूज़ करके हमने जो स्टॉक को सर्च किया है, मतलब टॉप 100 में से जो फिल्टर किया है, 9 स्टॉक्स आया है। ये 9 स्टॉक्स कौन कौन से हैं और उसके सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पी रेशियो क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, वो जान लेते हैं। तो पहला है निप्पॉन इंडिया, नेम इंडिया जानते हैं कि बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये पहली कंपनी थी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी जो AMC कंपनी है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 19,000 करोड़ है। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस अभी जो है देख सकते हैं 314 रुपीज पे ये क्लोज हुआ है। उसके बाद 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, तो 4.55 के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ, मतलब पिछले 5 सालों से इसमें हुआ है 4.55 का रेवेन्यू ग्रोथ। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं 0 है, मतलब कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है। टोटल करेंट एसेट जो कंपनी के पास 711 करोड़ है। उसके बाद पी रेशियो 46 का है। इस तरह से हम आपको जो 9 स्टॉक्स है, 9 स्टॉक्स उसमें से दूसरा है पी फाइजर लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल से ये है। उसके बाद ये देख सकते हैं मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक्स है। सारे स्टॉक्स का जो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाएगा यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से एवं, मतलब जो हमारा मिड कैप स्टॉक्स होता है, या हम कहें 20,000 करोड़ तक मिड कैप स्टॉक्स को लेते हैं, तो 20,000 तक, क्योंकि 20,000 के बाद हम जो 20,000 करोड़ होता है उसके बाद लार्ज कैप में आप काउंट कर लेते हैं। तीसरा स्टॉक बाटा इंडिया, 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो क्लोजिंग प्राइस है पी फाइजर का देखते हैं 3,963 का, और बाटा इंडिया का है 1,306 का। उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, पी फाइजर का रेवेन्यू ग्रोथ है 3.60 का, और जो बाटा इंडिया का रेवेन्यू ग्रोथ है 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ 2.44 का। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ किसका है, माइंडट्री का देखते हैं 16.55, तो माइंडट्री का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो पी फाइजर का डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.08 है, मतलब ये भी कंपनी एक तरह से कहे वर्चुअली डेप्ट फ्री है। उसके बाद बाटा इंडिया, ये भी डेप्ट फ्री कंपनी है। और टोटल एसेट करेंट एसेट जो कंपनी का पी फाइजर का है 2,716, और जो बाटा इंडिया है उसका है 1,840। वही पी रेशियो की बात करें तो पी फाइजर का पी रेशियो है 35 का, बाटा इंडिया का है 51 का। तो बाटा इंडिया काफ़ी महंगा स्टॉक्स है पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, लेकिन हम यहाँ पर सब अलग अलग, मतलब सेक्टर से है तो अलग अलग सेक्टर का कंपेयर अलग अलग सेक्टर के साथ नहीं कर सकते। अगले वीडियो में हम जो है आगे आने वाले समय में हम कंपेयर करेंगे, जैसे बाटा इंडिया है, रिलैक्सो फुटवेयर है, तो इस इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है उसके साथ एक दूसरे का कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद हमारा है सन टीवी नेटवर्क, ये टीवी चैनल्स और ब्रॉडकास्ट से है, इसका मार्केट के प्लेस देखते हैं 15,000 करोड़ का है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 403 रुपीज का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 8.67 का। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0 है, और वहीं करेंट एसेट इसके पास है 4,000 करोड़ का, और उसके बाद इसका जो पी रेशियो है वो 11.47 का। अगला है हमारा माइंडट्री, ये आईटी सर्विस और कंसल्टेंसिंग, मतलब ये हमारा जो सेक्टर है आईटी सर्विस और कंसल्टेंसिंग माइंडट्री का। उसके बाद 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्लोजिंग प्राइस 925 है। उसके बाद इसका देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है 16.55 का। हमने जो 9 स्टॉक्स फिल्टर किया उसमें सबसे ज़्यादा माइंडट्री का रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02 है, तब एक तरह से कंपनी डेप्ट फ्री है। और टोटल एसेट देखते हैं 3,000, जो नेट करेंट एसेट है 3,208 करोड़ का, और पी रेशियो 24 का। पी रेशियो भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है अभी ये स्टॉक्स। उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस ये इंश्योरेंस सेक्टर से है,
उसके बाद इसका देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ का है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। 542 इसका क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद इसका देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 4.08 का है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये भी कंपनी डेप्ट फ्री है। और इसका जो नेट करेंट एसेट है, टोटल करेंट 2179 का, और इसका जो पी रेशियो है वो है 100 का। उसके बाद सातवां है हमारा कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल आपने इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि ये बहुत ज़्यादा बोनस देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसका है कमोडिटी केमिकल्स। तो ये कमोडिटी केमिकल्स में इसके बहुत सारे ग्रीस जो है, ऑयल जो है ये यूज होता है ऑटो सेक्टर में, तो थोड़ा सा ऑटो सेक्टर कई सालों से अंडर परफॉर्म रहे, नहीं तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये। और 12,000 करोड़ का देखते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 125 इसका क्लोजिंग प्राइस है, 2.76 का इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है। तो जो सारी कंपनियां बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनियां हैं, तो आपको कैसे ये सारे स्टॉक सर्च करना है आपको हमने बता ही दिया। जैसे डेप्ट इक्विटी यहां पर देखिए क्लिक कीजिए, यहां से आप जो है यहां से सर्च करके डेप्ट इक्विटी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 से 1 देख सकते हैं। हमने ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया, 0 से 1 के बीच ही लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसका 1 हो, तो इसमें 1 तक में देख सकते हैं। सिर्फ नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.64 है, नहीं तो सारे जो स्टॉक्स यहाँ पर फिल्टर होकर आया उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। तो ये हमारा फार्मूला था, मतलब ये हमारा टिकर टेप का वेबसाइट है जो काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पर हमने ये फिल्टर लगाया था। उसके बाद महानगर गैस देखते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन से है, नेशनल एल्युमिनियम मेटल सेक्टर से है, तो एल्युमिनियम का डिमांड आगे कहा जा रहा है जैसा कि बढ़ने वाला है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है। महानगर गैस मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है, और नेशनल एल्युमिनियम का 5,900 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं महानगर गैस, इसका क्लोजिंग प्राइस 1,052 है, और नेशनल एल्युमिनियम का 31 रुपीज़ है, तो काफ़ी नेशनल एल्युमिनियम सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो महानगर गैस का भी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 7.54 का रेवेन्यू ग्रोथ है, और वहीं पर नेशनल एल्युमिनियम का 1.28 का, इसका काफ़ी कम है जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि काफ़ी समय से मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म है, तो आगे उम्मीद करते हैं कि यह परफॉर्मेंस मतलब देगा मेटल सेक्टर, तो ऐसे में आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। आप अपना खुद थोड़ा रिसर्च जरूर करें। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये नेशनल एल्युमिनियम के पास 0.64 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है, वहीं पर हम बात करें टोटल एसेट तो कैस्ट्रॉल इंडिया के पास, जो कैस्ट्रॉल इंडिया है उसके पास है 1,835, और महानगर गैस के पास जो टोटल एसेट है 1,175 करोड़ का, और जो नेशनल एल्युमिनियम है उसके पास जो टोटल करेंट एसेट है 5,600 का। तो आप देखिएगा मेटल सेक्टर की जो कंपनियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल करेंट एसेट काफ़ी ज़्यादा है जो टोटल एसेट है। वहीं पर पी रेशियो की बात करें, कैस्ट्रॉल का है 15, महानगर गैस का है 13, और नेशनल एल्युमिनियम का जो पी रेशियो है वो 43। तो इसमें से जो सबसे सस्ते पी रेशियो पे है वो है हमारा सन टीवी नेटवर्क, लेकिन सन टीवी नेटवर्क काफ़ी समय से ये अंडर परफॉर्म रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, जो कि हम आगे के वीडियो में भी कवर करते रहते हैं हर तरह के स्टॉक्स को। तो इसमें जो सबसे अच्छा है आपका वो है बाटा इंडिया, पी फाइजर, नेम इंडिया, माइंड ट्री, कैस्ट्रॉल, महानगर गैस। तो ये जो स्टॉक्स है, महानगर गैस, कैस्ट्रॉल, उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्वे, माइंड ट्री, बाटा इंडिया, पी फाइजर, नेम इंडिया, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसमें ये थोड़ा सा सन टीवी और नेशनल एल्युमिनियम, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म रहा है, तो इस दोनों को आप छोड़ करके और सारे स्टॉक्स जो काफ़ी इसमें बेहतरीन है, तो आप इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से नेम इंडिया, पी फाइजर, बाटा इंडिया, माइंड ट्री, मैक्स लाइफ, कैस्ट्रॉल, महानगर गैस, तो ये आप काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से है, और आगे हम वीडियो में भी इसका सारा एनालिसिस करते रहते हैं, तो आपको वीडियो देखते रहना और साथ साथ अपना भी एनालिसिस करना है, और जो भी सवाल आपके मन में है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर राउंड का अगला वीडियो होगा उसमें हम आपके सवाल को जरूर कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।